तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप का इमेज विथ नेम के साथ कैसे जनरेट कर सकते हो। सो वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत करना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, आपको चले आना है गूगल क्रोम पर और आपको यहां पर सर्च कर लेना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो आपके सामने ढेर सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, तो आपको इसमें से फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड गाइज, अगर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना होता है। सो हमने टेक्स्ट को ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, जिसको हमने पेस्ट कर दिया है। एंड अगर आप इसे टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आपको यह टेक्स्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आप यहाँ पर इस नेम को कट करके चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हो और अपना नेम लिख सकते हो। सो इतना कर लेने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक इमेज जनरेट हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, इमेज जनरेट होकर आ चुका है। सो आपको इसमें से जिस इमेज को डाउनलोड करना है आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको इस इमेज के नीचे 3 डॉट का आइकन मिल जाएगा। सो आपको 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना होगा और यह इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड गाइज, आप इसी तरह किसी के भी नेम का इमेज बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हो। एंड आपको इमेज जनरेट करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।